आज की वीडियो में इस स्टेबलाइजर के फॉल्ट के बारे में बताएंगे। ये जो लिपगार्ड का स्टेबलाइजर है, इसमें एक फॉल्ट देखने को अक्सर मिलता है जहाँ पे लिखा आता है FLT। जैसे कि इस स्टेबलाइजर में देखें ये फॉल्ट को, अब इस फॉल्ट को देखने से ये लग रहा होगा कि कहीं से रिले प्रॉब्लम होगा, लेकिन रिले प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम और है जिसे हम यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए यहाँ जैसे इस फॉल्ट के कंडीशन में यहाँ पे हम स्क्रू ड्राइवर से इसे टेस्ट करते हैं। यहाँ पर देखें ध्यान से, जैसे हम टेस्ट करते हैं तो डिस्प्ले को देखें, ऑन शो किया, देखिए ऑन शो किया, थोड़ा सा हट गया। फिर से हम दिखाते हैं दोबारा, देखिए 229 इनपुट है और 221 आउटपुट है। तो इस कंडीशन में हम इस फॉल्ट को, यानी जो ये कंडीशन है फॉल्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ओपन कंडीशन में है। ओपन कंडीशन मतलब कि जो इस आउटपुट का इन्फॉर्मेशन है उस ये जो सिस्टम IC को नहीं पहुँच रहा है। एक बार हम इसे ज्वाइंट करके फिर दोबारा दिखाते हैं, दोबारा देखेंगे तो यहाँ पे ऑन शो कर रहा है, और ऑन शो कर रहा है 221 वोल्ट आउटपुट है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको ज्वाइंट किया है। अब ये प्रॉब्लम कैसे होता है कि दो ट्रैक जो नज़दीक नज़दीक गए हैं वहाँ पे अगर मॉइस्चर या किसी कंडीशन में जो है नमी होने की वजह से वहाँ पे एक ऑक्साइड जमता है जिससे वो ट्रैक ख़राब हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। तो इस ब्रेक डाउन में आप ऊपर से देखेंगे तो नहीं पता लगेगा, क्योंकि कलर की वजह से नीचे से ट्रैक अक्सर जैसे पंचर हो जाता है या ओपन हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप जब उसे किसी तरीके से साफ ऑफ करेंगे तो क्लियर करेंगे या वोल्टेज के थ्रू वहाँ तक पहुँचेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब जैसे यहाँ पर देखें ये लो वोल्टेज शो किया, लो वोल्टेज मतलब ये हुआ कि हमारा जो है 100 वोल्ट से नीचे, अभी 106 वोल्ट आया, ऑन हो गया। अब यहाँ पर देखें 106 वोल्ट और 206 वोल्ट। अभी जो फॉल्ट आपने देखा है यहाँ पर दिखा दें कि ये फॉल्ट कहाँ से था। उसके लिए सबसे पहले देखें इसमें ये जो रिले यूज किया गया है, ये रिले का इंडिकेशन है, और ये रिले के इंडिकेशन में जैसे यहाँ पे NC NO और ये पोल, ये हो गया एक रिले। फिर यहाँ पर आएंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे P, तो जैसे ये P है, मतलब P मतलब पोल हो गया। फिर ये दूसरा रिले जो है इसका पोल हो गया। फिर यहाँ पे हमारा NO NC, NC मतलब हो गया नॉर्मल कनेक्टिंग। अब यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम को देखें, अब जो प्रॉब्लम था प्रॉब्लम यहाँ से था, यानी जैसे ये डायोड लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये, यानी सब मिला के 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में लगे हैं, और सीरीज में लगने के बाद ये जो कट था यहाँ पे था, यानी जो यहाँ पे ओपन था, ब्रेक डाउन था PCB, ये यहीं से था। इसको हमने ज्वाइंट किया, तो ज्वाइंट करने के बाद अब ये क्या होगा, इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेंस होगा, पिन नंबर 3, ये है पिन नंबर 1, ये है पिन नंबर 2, ये है पिन नंबर 3, और पिन नंबर 4 पे क्या होगा, यहाँ पे इनपुट सेंस होगा। इनपुट कहाँ पे है, इनपुट इस पोल से आ रहा है, यहाँ भी ये डायोड लगा हुआ है और इस सीरीज में ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 3। तो ये हो गया हमारा इनपुट, अरे सॉरी आउटपुट, और ये हो गया इनपुट। इस PCB में देखेंगे जो सर्किट डायग्राम के द्वारा, तो यहाँ पर देखें ये यहाँ पे टोटल सप्लाई जो बन रही है वो टोटल सप्लाई 4 सप्लाई है। 4 सप्लाई कैसे, यहाँ पर देखें ये जो है 5 वोल्ट का एक सप्लाई ये, फिर यहाँ पे 5 वोल्ट का एक सप्लाई ये, फिर यहाँ पे 9 वोल्ट का सप्लाई ये, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 1, और ये हो गया 2, ये हो गया 3, यानी 3 सप्लाई ये हो गई। अब 3 सप्लाई के बाद यहाँ पे ये चौथा सप्लाई जो इनपुट हो रहा है इसको भी जोड़ा जाएगा, तो 3 सप्लाई ये और 4 हो गया।
अब यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं रिले ड्राइव के लिए, इसको लेकर ये हो गया टोटल 5 सप्लाई, क्योंकि ये सप्लाई जो रिले को जा रही है, ये हमारी पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से इस डायोड के द्वारा जाएगा, और इस डायोड के लिए एक ये 12 वोल्ट का रिले यूज किया गया है। ये 12 वोल्ट का रिले जो है दो काम करता है, यहाँ पे लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के समय जो है ये अपना मोड चेंज कर लेता है, जो कि पोल से आउट होकर इस डायोड के द्वारा इस रिले को ड्राइव करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब वोल्टेज कम होंगे तो इसको ये, क्योंकि ये यहाँ पे जो यूज किया गया है ये रिले, ये है हमारा 24 वोल्ट यानी 24 वोल्ट का रिले है, और रिले ये है 4 रिले, और चारों के लिए ड्राइवर के लिए यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं, जो क्यू यहाँ पे Q1 है और Q2 है, Q3 है, Q4 है, ठीक है। तो ये 4 ट्रांजिस्टर जो कि रिले को ड्राइव करते हैं, और ये 5 सप्लाई है जो कि सारे सिस्टम को चलाते हैं, जो कि स्टेबलाइजर के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये 4 रिले जो है 24 वोल्ट में है, यानी यहाँ पर देखें 24 वोल्ट का है, लेकिन ये रिले क्या है 12 वोल्ट का है यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर पे क्या है, ये ब्राउन और रेड कलर का जो वायर है ये है हमारा 12 वोल्ट यानी 12 वोल्ट, और ये दोनों वायर क्या हैं, ये अलग हैं, यानी जब हमारा लो वोल्टेज होता है तो उस समय ये अलग अलग जो है ये काम करता है, यानी हाई के समय ये काम करेगा और लो के समय ये काम करेगा, यानी एक 30 वोल्ट देगा, जो कि ये 100 जब 100 वोल्ट होता है तो उस समय इस रिले का मोड अलग होता है, और जब 200 वोल्ट के आसपास जाता है तो उस समय इस रिले का मोड अलग होता है। तो इस कंडीशन में ये वोल्टेज जिस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है उस हिसाब से इसके मोड चेंज हो जाते हैं। तो पोल के थ्रू यहाँ पे ये डायोड देखेंगे, ये जो डायोड लगा हुआ है ये इसी से इसके पोल से कनेक्ट है, और पोल से कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो पॉजिटिव सप्लाई बनती है इसके द्वारा फिल्टर किया जाता है। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूज किया गया है यहाँ पे, अभी ये रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो ये है 47 ओम रेजिस्टेंस 2 वाट में, जो ये डायोड लगा हुआ है, इस डायोड के लगने के बाद यहाँ इसके द्वारा फिल्टर होगा इस कैपेसिटर के द्वारा, फिर यहाँ से जो है ये रेजिस्टेंस लग जाएगा, फिर इसके बाद ये कैपेसिटर लगेगा, इसके बाद यहाँ इस रिले को ये सप्लाई दी जाएगी पॉजिटिव की, और निगेटिव यहाँ से मिलता है इसके इस ट्रांजिस्टर के द्वारा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सप्लाई जो है एक अलग तरीके से डिज़ाइन की गई है, वो कैसे वो यहाँ पर दिखा दें, जैसे इनपुट और आउटपुट के लिए जैसे हमारा एसी सेंस किया गया है, ऐसे यहाँ पर देखें ये 220 के रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 वाट में, जिसका लोकेशन कोड यहाँ पे R20 दिया गया है, लेकिन इसी के बाद यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, ये डायोड जो कि इससे ये कनेक्ट है, और ये क्या करता है, ये जो है ये हमारा निगेटिव से कनेक्ट होगा, यानी इसकी ग्राउंड पोजीशन से ये कनेक्ट होगा। ये 220 के रेजिस्टेंस ये है, यहाँ पे हमने अभी इसको सर्किट को अभी कंप्लीट नहीं किया है, अभी अनकम्प्लीट में है, ये यहाँ पर देखें ये हमारा जो है 220 के रेजिस्टेंस है, इसके बाद एक डायोड लगा हुआ है यहाँ इसके ऊपर, ये 104 का PF लगा हुआ है, और इससे ये ग्राउंड से कनेक्ट है, और यहीं से ट्रांसफार्मर पे जो फीडबैक का वायर आ रहा है यही है। तो यानी 12 वोल्ट का ये दोनों वायर हो गए, और इसके जो पॉजिटिव सप्लाई के लिए रिले ड्राइव के लिए जो ये बन रहा है ये सप्लाई, इसके लिए हमारा दोनों सप्लाई के लिए यहाँ पर ये दो फीडबैक लिया गया है, जो कि इस रिले के द्वारा यहाँ पे समय पे अपने यानी अपना जो टाइम होता है इसका कि किस वोल्टेज के कंडीशन में हमको चेंज होना है, उसी के कंडीशन में ये चेंज होके इस डायोड के द्वारा पॉजिटिव सप्लाई बन के इस कैपेसिटर के द्वारा फिल्टर होके इस रिले के यहाँ पर देखें सीरीज में सॉरी पैरेलल में ये जो है ऐसे कनेक्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव लाइन, और यहाँ पर देखें ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इसको यहाँ जैसे यहाँ पे पॉजिटिव दिया गया, ऐसे यहाँ पर देखेंगे ये सीधे निगेटिव दिया गया है, और जिस पे निगेटिव दिया गया है ये है एमीटर, और बीच वाला है ये कलेक्टर, और रिले का ये जो दोनों दोनों पॉइंट है यहाँ पे एक एक डायोड यूज किया गया है यहाँ पर देखें, ठीक है। तो ये हमारा 4 रिले ये है,
और एक 5 रिले ये है और 5 सप्लाई भी है। तो इसका कुछ डिज़ाइन अलग है और हम इसको आगे देखते हैं। इसके जो डिस्प्ले का सर्किट है उसके बारे में भी समझते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो डायोड लगा हुआ है यहाँ, यानी ऊपर साइड से लगा हुआ है, ये हमारा जो है इस साइड से, वो आपको बता रहे हैं जहाँ पे ये ट्रैक हमारा कटा हुआ था, ब्रेक हुआ था, तो यहाँ से ये डायोड लगा हुआ है जो कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव सप्लाई बनेगा। और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, 2 हो गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, 3 हो गया। अब इस रेजिस्टेंस का अगर मान भी शिफ्ट हो जाए, वैल्यू शिफ्ट हो जाए, तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे ये कट होने से, यानी यहाँ पे जो मिलने वाली सप्लाई है वो अब्सेंट हो गई, और अब्सेंट होने की वजह से जो इन्फॉर्मेशन इस आईसी को जा रहा था वो मिलना बंद हो गया।